सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करें कि हमारा कभी कभी व्यापार चलते चलते अचानक रुक जाता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं या व्यापार चलता भी नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और कोई ग्राहक भी नहीं आता है, तो हो सकता है आपकी दुकान को किसी ने बंधन में कर दिया हो, बांध दिया हो। तो आपको एक छोटा सा उपाय, टोटका बता रहा हूँ, उस उपाय को आप करिएगा। वैसे सभी लोग इस टोटके को जानते हैं, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ ये टोटका विशेष ही है। एक साधारण सा प्रयोग, भारत में अधिकांश लोग इसको जानते हैं। मंगलवार के दिन 7 साबुत डंठल वाले हरे मिर्च लेने हैं, 1 साबुत आपको नींबू लेना है। ध्यान ये रहे कि नींबू कहीं से भी दाग न लगा हो, साबुत नींबू हो, फ्रेश नींबू हो, उस नींबू को आपको लेना है। और इसके साथ साथ आपको एक उपाय और मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कि इस 7 मिर्च जो आपने ली है साबुत, इन 7ों मिर्चों को एक जगह रख लीजिएगा। सबसे पहले 4 मिर्च आप एक धागे में पिरोइएगा, 4 मिर्चों के बाद में फिर आपको जो नींबू है वह नींबू पिरो दीजिएगा, फिर इसके बाद में आपको जो 3 मिर्च और बची हैं, पहले 4 मिर्च, फिर 1 नींबू, फिर 3 मिर्च, उन 3 मिर्च को पिरोने के बाद में मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे शनिवार को भी इस उपाय को किया जाता है, परंतु मंगलवार के दिन यह उपाय अत्यधिक कारगर सिद्ध होता है। और मित्रों, इसके साथ साथ आप इस धागे को अपने दुकान के बाहर बांध दीजिएगा, पुनः मंगलवार आने पर इस उपाय को करिएगा, देखिएगा आपके यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं या जो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं, इनके यहाँ पर जब ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान में बंधन होता है, ये उपाय करने से दुकान खुल जाएगी, ग्राहकों का आना प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।